नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूँ कीर्ति सोनी। मैं आगे आपसे बात करूँ उसके पहले आपसे निवेदन है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा साथ दीजिए, हमारा चैनल ज्वाइन करिए। चलिए अब मैं आपको राजनीति की दुनिया में ले चलती हूँ। बिहार की सियासत एक तरफ इंडिया गठबंधन पर संकट लेकर आया है, तो हर लोकसभा क्षेत्र में वर्तमान सांसदों ने अपनी तैयारी जोर शोर से शुरू कर दिया है। कई सांसद के टिकट कटने की अफवाह है, तो विपक्ष से कई लोग वर्तमान सांसद में संसदी लेना चाहते हैं। एमटी टॉक शो ने कौसाम्बी लोकसभा का दौरा किया, जिसके चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। कौसाम्बी लोकसभा के सारे समीकरण पर बात करने के पहले आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। पिछले लोकसभा यानी 2019 में जहां बीजेपी से वर्तमान सांसद विनोद सोनकर ही प्रत्याशी थे, वहीं लोकतांत्रिक जनसत्ता से पूर्व सांसद शैलेंद्र कुमार ने ताल ठोकी थी और समाजवादी पार्टी बसपा गठबंधन से इंद्रजीत सरोज प्रत्याशी थे। इंटरेस्टिंग बात यह थी कि एक शैलेंद्र कुमार जनसत्ता से चुनाव लड़ रहे थे, तो दूसरे शैलेंद्र कुमार निर्दल चुनाव लड़ रहे थे और अच्छा खासा वोट पाए थे। कहा जाता है कि पूर्व सांसद शैलेंद्र कुमार के नाम में कंफ्यूजन पैदा करने के लिए ऐसा कराया गया था। मैं आगे बताऊंगी तीनों शैलेंद्र के बारे में। लोकसभा कौशाम्बी के राजनीतिक समीकरण के बारे में बात करने से पहले कुछ डाटा पर बात कर लेते हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में तत्कालीन सांसद बीजेपी से विनोद कुमार सोनकर को 3,83,009 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर सपा बसपा गठबंधन के प्रत्याशी इंद्रजीत सरोज थे, जिनको कुल 3,44,287 वोट मिले थे और वर्तमान सांसद विनोद सोनकर 38,722 वोट से चुनाव जीत गए थे। लोकतांत्रिक जनसत्ता से पूर्व सांसद शैलेंद्र कुमार पासी को कुल 1,56,406 वोट मिले थे और दूसरे शैलेंद्र कुमार निर्दल थे, उनको कुल 26,967 वोट मिले। तीसरे शैलेंद्र कुमार को कुल 8,011 वोट मिले थे। इन दोनों शैलेंद्र कुमार के बारे में कहा जाता है कि एक रणनीति के तहत चुनाव लड़े थे और अच्छे वोट भी पाए थे, जबकि कांग्रेस से पॉपुलर नेता गिरीश पासी को केवल 16,442 वोट ही मिले। आइए जानते हैं 2022 विधानसभा चुनाव में क्या हुआ। 2022 विधानसभा चुनाव में सपा और बसपा का गठबंधन टूट चुका था, लेकिन कौसाम्बी लोकसभा की तीन विधानसभा मंझनपुर, चायल और सिराथू में सपा के प्रत्याशी जीते। बाबागंज और कुंडा में लोकतांत्रिक को जीत मिली। आइए बताते हैं किसको कितने वोट मिले। पांचों विधानसभा में बीजेपी के एनडीए को कुल 3,19,024 वोट मिले। सपा को कुल कौशाम्बी के पांचों विधानसभा में 4,37,414 वोट मिले थे, यानी 2022 विधानसभा में पांचों विधानसभाओं में सपा को 1,18,390 वोट ज्यादा मिले थे। बसपा को पांचों विधानसभा में कुल 78,933 वोट मिले। अब विधानसभा चुनाव को आधार मान लें तो आज की तारीख में कौशाम्बी लोकसभा में समाजवादी पार्टी या कहें इंडिया गठबंधन आगे दिख रहा है। दूसरी तरफ कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और वर्तमान सांसद विनोद कुमार सोनकर के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसे में बहुत कुछ कौशाम्बी में देखने को मिल सकता है। कहा जा रहा है कि जनसत्ता और बीजेपी का गठबंधन हो सकता है, जिसमें शैलेंद्र कुमार एनडीए प्रत्याशी हो सकते हैं। तरह तरह की अफवाहें कौशाम्बी में हैं। एमटी टॉक शो ने कौशाम्बी के कुछ राजनीतिक एक्सपर्ट से बात किया और पहला सवाल मुद्दों का था, जिस पर विश्लेषकों का क्या कहना था कि लोकसभा चुनाव में लोकल मुद्दे काम नहीं करते हैं, फिर भी उद्योग और रोजगार के लिए प्रयास करने चाहिए थे। सुनिए विश्लेषकों ने क्या कहा। 2024 के चुनाव में मुद्दे सारे गौण हैं। अगर कोई विकास की बात करेंगे तो विकास पे कोई बात करने तैयार नहीं है। ये राम मंदिर निर्माण हो जाने के बाद लोगों का मुख्य रुझान जो है वो मंदिर की तरफ फिलहाल दिखाई दे रहा है। इस समय विकास गौण है।
देखिए यहाँ पे लोकल मुद्दे तो लोकसभा चुनाव में प्रभावी नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे अपने मखौपुर में इंडस्ट्रियल एरिया भी था लेकिन आज वो वजूद में नहीं रह गया है। तो जो इंडिया या एनडीए गठबंधन से जो मुद्दे बन के आएंगे वही प्रभावी होंगे। देखिए मुख्य मुद्दा यहाँ बेरोजगारी और युवाओं के लिए रोजगार, तकनीकी शिक्षा के तौर में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना तो ऑलरेडी हालांकि गवर्नमेंट के द्वारा की गई है लेकिन संचालन वित्तीय वर्ष 2024 से ही होना था लेकिन आज तक नहीं हो चुका। उसके अलावा उच्च शिक्षा के लिए जो भी विश्वविद्यालय वगैरह बने हैं डिग्री कॉलेज, कुल मिला के यही रज्जू भैया, प्रोफेसर रज्जू भैया यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं और मान्यता प्राप्त हैं, कोई उच्च शिक्षा के लिए आज भी युवाओं को बाहर ही जाना पड़ता है। तो मुख्य मुद्दा युवाओं के शिक्षा और रोजगार, दो मुद्दों पर विशेष होना चाहिए। एमटी टॉक शो ने दूसरा सवाल किया कि क्या वर्तमान सांसद जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरे। देखिए विश्लेषकों ने क्या कहा। विनोद सोनकर व्यक्तिगत तौर पर तो बहुत अच्छे आदमी है, उन्होंने अपने हिसाब से थोड़ा बहुत काम भी किया है लेकिन इस बार लोगों का रुझान उनकी तरफ नहीं है। उनके कुछ ऐसे बयान इस दौरान आए कि उससे समर समाज काफ़ी खिन्न नज़र आ रहा है और उनकी तरफ लोगों का रुझान बिल्कुल इस बार नज़र नहीं आ रहा। उनको टिकट मिलेगा तो शायद जीतना संभव नहीं होगा। देखिए जो वर्तमान सांसद विनोद सोनकर जी पर्सनली व्यवहार से तो अच्छे हैं लेकिन कौशाम्बी में कोई ख़ास काम उन्होंने किया नहीं है, इसलिए लोग इस बार उनसे नाराज़ भी चल रहे हैं। कुछ उनके बयान भी इस टाइप के आए हैं कि जिससे काफ़ी मतभेद भी पैदा हुआ है, तो मुझे तो कम संभावना लग रही है इस समय उनके जीतने की। देखिए विनोद सोनकर का व्यक्तित्व तो हालांकि अब चुनाव करीब आ गया है तो वो क्षेत्र में थोड़ा सा विशेष रूप से चायल और कुछ हद तक मंझनपुर विधानसभा में समय दे रहे हैं, लेकिन व्यक्तित्व की बात करिए तो ये पत्रकारों की राय आप लीजिए या आम जनता की, आम जनता के हिसाब से इनका व्यक्तित्व बहुत बेहतर नहीं कहा जा सकता है। ये जो भी चुनाव निकल रहे हैं सिर्फ मोदी नाम से इनको जो है कुल मिला के लाभ मिल रहा है, बाकी इनका बहुत अच्छा व्यक्तित्व नहीं कहा जा सकता। एमटी टॉक शो ने यह भी पूछा कि पूर्व सांसद शैलेंद्र कुमार के बारे में क्या सोचते हैं। व्यक्तित्व की बात आप करिए तो आज भी भले ही शैलेंद्र जी सांसद यहाँ पर नहीं है लेकिन पूर्व में जब भी सांसद रहे हैं आज भी महिलाओं, युवा, बुजुर्गों और जाति पात से हट के वो समाज में एक उनकी प्रतिष्ठा है। और आज भी अगर बाय द वे जनसत्ता का एनडीए से गठबंधन होता है तो उसमें जनता विनोद सोनकर की अपेक्षा शैलेंद्र जी को ज्यादा बेहतर लाइक करेंगे। शैलेंद्र कुमार बहुत ही अच्छे आदमी हैं और जनसत्ता दल से चुनाव लड़ने पर इस बार भी उनकी जीत की संभावना बिल्कुल नहीं है। अगर भाजपा से गठबंधन हो जाता है और उनको टिकट मिलता है तो उनकी जीत संभव है। और हम तो यहाँ तक कहेंगे कि अगर शैलेंद्र कुमार को भाजपा गठबंधन से टिकट मिलता है तो मुस्लिम मतदाता भी उनको वोट देने को तैयार है। उनका ऐसा जनसंपर्क है लोगों से, मुस्लिम बिरादरी में ऐसा उनका अच्छा मेल भाव है। देखिए पर्सनली शैलेंद्र जी तो बहुत ही अच्छे हैं और लेकिन जनसत्ता दल का कौशाम्बी लोकसभा में जनाधार नहीं है उतना, क्योंकि अगर बात की जाए तो प्रतापगढ़ में दो विधानसभा है, कुंडा और बाबागंज, तो यही दो विधानसभा में जनसत्ता दल का प्रभाव ज़्यादा है। बाकी यहाँ कौशाम्बी की तो तीनों विधानसभाओं में उतना प्रभाव नहीं है। अगर किसी से गठबंधन के तहत आते हैं शैलेंद्र जी तो फाइट करेंगे, अन्यथा तो नहीं। सबने पूर्व सांसद शैलेंद्र कुमार को एक सुलझा हुआ नेता बताया। इंडिया गठबंधन से मंझनपुर विधायक इंद्रजीत सरोज के बारे में बात करने पर चौंकाने वाले बयान सामने आए, आप ही देखिए क्या आए। जी विकास पुरुष के नाम पर अगर देखा जाए तो इंजीत सरोज का नाम ही देखा जा सकता है। कुल मिला के इंजीत सरोज ने आज जितने भी कौशाम्बी में पूर्व में विकास हुए हैं वो इंजीत सरोज की ही देन है। बेशक थोड़ा सा चूंकि परिसीमन में दो सीटें कुंडा और बाबागंज जो है वो कौशाम्बी लोकसभा की, वो गंगा पार क्षेत्र की हैं, वहाँ कहीं ना कहीं जनसत्ता दल का बाहुबल ज़्यादा है। बाहुबल क्या मतलब, कुल मिला के उनको लोग लाइक ज़्यादा करते हैं। और रही बात इंडिया गठबंधन से अगर इंजीत सरोज को प्रत्याशी जो है स्पेशली अगर इंडिया गठबंधन बनाता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। इंद्रजीत सरोज जी ने पिछली बार भी अच्छी फाइट दी थी लेकिन उनकी हार प्रतापगढ़ के दोनों सीटों से हो गई थी।
इस बार भी चूंकि जो चाल विधानसभा क्षेत्र से पूजा पाल जी विधायक हैं, उनका कोई भी जनाधार नहीं है। वो अगर जीती हैं तो सिर्फ इंद्रजीत सरोज के उससे, और 7,000 और पाल बिरादरी को ऐसे जीत लेंगे, वरना वो भी न जीत पाती। तो पूरे लोकसभा की अगर बात करें तो विधानसभा मंझन को छोड़ करके इंडिया गठबंधन कहीं से भी लीड नहीं करेगी और जीतना बहुत मुश्किल है। देखिए, इंद्रजीत सरोज जी बड़े लीडर हैं, लेकिन कौशाम्बी में अब उनका कोई व्यक्तित्व तो नहीं रह गया है, क्योंकि कौशाम्बी की धरातल पे उन्होंने ना कभी कोई मीटिंग करते हैं और ना ही कभी किसी के सुख दुख में शामिल होते हैं। तो वो तो अब तो उनको भी लोग पैराशूट का ही नेता कहते हैं, तो इसलिए कोई प्रभाव नहीं। इंडिया गठबंधन से पूर्व सांसद सुरेश पासी के लड़के रजनीश पासी के दावेदारी पर लोगों ने कहा कि रजनीश पासी एक अच्छे नेता हैं, लेकिन उनको क्षेत्र में सक्रिय रहना जरूरी है। पूर्व सांसद जी ने तो बहुत अच्छा काम किया था जब वो सांसद रहे बसपा से, और उनके बेटे रजनीश जी भी अगर आते हैं तो अच्छा उनको रिस्पॉन्स मिलेगा, जनता पसंद करेगी और जनता के बीच में रहे भी हैं, तो इसलिए उनका अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा उनको जनता के द्वारा। रजनीश पासी जी के पिताजी बहुजन समाज पार्टी से सांसद थे, लेकिन उनका भी कार्यकाल बहुत अच्छा नहीं रहा, इसलिए इनको दोबारा बहन जी ने टिकट नहीं दिया था। और ये एक अननोन आदमी है, उन्होंने चाल लोकसभा क्षेत्र में कोई भी काम नहीं किया, न कभी जनसंपर्क किया, न किसी आंदोलन में काम किया, तो लोग इनके नाम से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। देखिए, रजनीश सुरेश पासी के व्यक्तित्व की बात की जाए तो उनसे काफी हद तक जनता रूबरू थी, लेकिन रजनीश एक नया चेहरा है। अभी रजनीश के बारे में उतना ज्यादा क्षेत्र में अभी फीडबैक जो है लोगों से नहीं मिल पा रहा है, ना अभी रजनीश की कोई क्षेत्र में गतिविधियां ये इतना ज्यादा वो हैं, तो इस हिसाब से अभी वो बहुत चर्चित चेहरा नहीं बन सकते हैं। ये है कि भाई पार्टी के नाम पर अगर आए तो भाई पार्टी का लाभ हो सकता है कि उनको मिले। अन्य दावेदारों के बारे में बात करते हुए राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा कि पूर्व पुलिस अधिकारी प्रेम प्रकाश और मधुपति वाचस्पी के एनडीए से मैदान में आने की बात की चर्चा है। अच्छा, तो मधुपति वाचस्पति जी की भी काफी है, क्योंकि अगर ये सीट अनुप्रिया पटेल जी को अगर जाती है अपना दल इसको, तो काफी चर्चा उनकी है कि चुनाव लड़ने की उनकी ज्यादा प्रबल संभावना है। अब इसमें भाई साहब ये है कि विनोद सोनकर के अलावा भाजपा किसी को भी टिकट देगी वो बंदा आंख बंद करके जीत जाएगा। एडीजी रिटायर्ड एडीजी है प्रेम प्रकाश जी का भी नाम है, लोग उनको बहुत सम्मान देते हैं, उनके काम से बड़े प्रभावित है। अगर उनको टिकट मिलता है तो उनका भी भाजपा से जीतना उनका ही समीकरण। देखिए, सीट तो एससी है, अब एससी में अभी बड़े चेहरे के रूप में अगर देखा जाए तो अभी सोशल मीडिया पर कुछ दिन पूर्व जो है एक दो फोटो वायरल हुई थी जिसमें पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मधु वाचस्पति जी भी योगी जी से मुलाकात करने गई थी, और पूर्व सांसद शैलेन जी की भी एक फोटो वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर। उस हिसाब से अगर देखा जाए पलरा, तो वैसे अगर इंडिया गठबंधन से और जनसत्ता से वो होता है तो शैलेंद्र ज्यादा चॉइस होंगे लोग। लोकसभा आम चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है, ऐसे में सब नेता लोग अपनी अपनी राजनीति पर काम कर रहे हैं। अगर विधानसभा चुनाव को आधार माने तो कौशाम्बी में इंडिया गठबंधन आगे है, लेकिन आम जनता में जो वोकल है उसकी नजर में एनडीए गठबंधन जीत सकता है। निर्भर करेगा कि जनसत्ता का गठबंधन होगा या वह अकेली लड़ेगी। कौशाम्बी में अगर जनसत्ता अकेले लड़ेगी तो इंडिया गठबंधन भारी पड़ेगा। अगर जनसत्ता का गठबंधन एनडीए या इंडिया किसी से हुआ तो परिणाम एकदम उलटने की संभावना है। देखिए, अभी तक इंडिया गठबंधन ने तो कोई कैंडिडेट अपना वो किया नहीं है, और एनडीए की तरफ से विनोद सोनकर जी हैं, उनके भी टिकट कटने की संभावनाएं हैं, चर्चाएं ऐसी हैं कि टिकट कट जाएगा। तो अभी तक तो कौशाम्बी विधानसभा की तीनों सीटों में एनडीए गठबंधन का कोई भी विधायक रहा नहीं है, तो इंडिया गठबंधन का ही विधायक रहा है। तो अभी ये तो कैंडिडेट पर ही निर्भर करेगा कि क्या होता है। बाकी इंडिया गठबंधन कोई भी नहीं है, अगर जनसत्ता दल आ जाती है इंडिया गठबंधन के साथ तब उनके कैंडिडेट यहाँ से जीत सकते हैं, वरना भाजपा की जीत यहाँ पे एकदम निश्चित है, कोई नहीं हरा सकता। जी देखिए, अभी कुल मिला के अभी तो वर्तमान सांसद विनोद सोनकर जी के नाम की चर्चा है, दो बार से यहाँ सिटिंग सांसद भी हैं, और इंडिया ने अभी कोई अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है।
चूंकि कौशाम्बी एससी बाहुल्य वोटर वाला लोकसभा क्षेत्र है, लेकिन परिसीमन में दो विधानसभा कुंडा और बाबागंज, दो विधानसभा सीटें इससे जुड़ी हुई है। वहां कुल मिला के वर्चस्व राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया जी का है। कहीं ना कहीं भले ही यहाँ अभी सांसद हैं, प्रत्याशी अभी केवल एनडीए की तरफ से ही अभी केवल चर्चा विनोद सोनकर की है, एक दो की है, लेकिन अगर कोई चर्चित चेहरा आता है तो भले ही इंजीत सरोज ने विकास किया है, कहीं ना कहीं एनडीए इंडिया गठबंधन पर एनडीए गठबंधन भारी रहेगा। मोदी के नाम पर आज भी लोगों में काफी जो है वोटिंग का क्रेज देखा जा रहा है, क्योंकि जिस गठबंधन में जनसत्ता जाएगी वहां लगभग 2 लाख वोट जाएंगे। आगे भी आपको हम लोकसभा का विश्लेषण देते रहेंगे। देखते रहिए एमटी टॉक शो चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।